जानना चाहेंगे आपकी म्यूजिक की। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये कॉम्प्लीमेंट आई थिंक सब लड़कियों को बहुत पसंद है एंड ही शावर्ड इट ऑल ऑन मी सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड मोर ओवर एक बहुत अच्छे कॉज के लिए आए हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक्चुअली। या डेफिनेटली बिकॉज हम कहीं ना कहीं आर्ट को किसी ना किसी चीज़ से जोड़कर कोई अच्छा कुछ कॉज के लिए यूज़ कर सकते हैं तो हमें वो डेफिनेटली करना चाहिए। एज एन आर्टिस्ट हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं एंड डेफिनेटली अगर हम अपनी आर्ट से किसी को हेल्प कर सकते हैं तो हमें डेफिनेटली वो करना चाहिए। मैं कम्प्लीटली अग्री करती हूँ क्योंकि मेरे 24 घंटे आई थिंक सिर्फ सोने के टाइम मैं म्यूजिक नहीं सुनती हूँ अदरवाइज ऑल द टाइम माई म्यूजिक आईपॉड इज ऑलवेज रेडी आई कीप ऑन लिसनिंग टू द म्यूजिक। अभी अभी कुछ ही देर पहले मैंने ये कहा कि आई थिंक बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। किसी भी कॉज की तरफ जब कोई भी इंसान कदम उठाता है तो आई थिंक इट बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं और अगर हम ये दिखाते हैं अपने कोई भी चैरिटी इवेंट या कोई भी इनिशिएटिव के थ्रू एक छोटे से इनिशिएटिव के थ्रू भी एक हम फीलिंग का या एक एहसास का होता है लोगों के बीच में कि यस वी आर नॉट अलोन। और आई एम श्योर जब ये अर्थक्वेक के जो सर्वाइवर्स हैं बेसिकली विल हियर अबाउट दिस आई एम श्योर दे विल फील कि यू नो बहुत बड़ी कलामिटी हुई है बट देन वी आर नॉट अलोन इन दिस एंड दैट द एंटायर ह्यूमैनिटी और सारे लोग एक साथ हैं हम। और म्यूजिक इज लाइफ इज ये थीम है इस कंसर्ट का तो इस बारे में क्या कहेंगे? म्यूजिक तो लाइफ है, लाइफ इज म्यूजिक। और एक चीज़ अगर मुझे रिग्रेट है लाइफ में कि मैं नहीं बन सका वो सिंगर। आई विश बचपन में मैंने सिंगिंग स्कूल ज्वाइन किया होता। कोशिश करता हूँ, बहुत एक मास्टर भी आता है घर पे सिखाने के लिए पर वो जो एक बचपन से सीखे आदमी सिंगर बनता है तैयार होता है वो यू नो इट टेक्स टाइम इट्स डिसिप्लिन। हाँ भाई, ये है कि बिहार में जो हुआ जहाँ भी होता है जो भी विक्टिम होता है तो एज ए इंसानियत के नाते हमारा यही ध्येय होता है कि किसी तरह से उनको मदद नहीं कह सकते, कॉपरेशन कह सकते हैं और उस कॉपरेशन में हम तन मन धन से उनके साथ है। बिल्कुल है, संगीत जो है एक ऐसी चीज़ है वो जीवन है, आप सांस लेते हैं वो भी संगीत है, सांस हम लेते हैं इसमें भी ताल होती है, हम बोलते हैं वो भी संगीत है, इस बोल में के अंदर में भी संगीत है। जब हम मीठा बोलते हैं तो अच्छा लगता है, कड़वा बोलते हैं तो बुरा लगता है, तो अच्छा बुरा जो है तो वो भी कहा रस से होता है, जो अपने नौ रस कहते हैं वो तो हर रस संगीत में है, नृत्य में है, वही रस जो है इसके अंदर साहित्य में भी है। तो साहित्य संगीत कला इस हर चीज़ में रस होता है। बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं, हर एक को सामने आना चाहिए इस कॉज के लिए, हर एक को साथ मिलके हमें कुछ करना चाहिए एंड आई फील दिस प्लेटफॉर्म इज़ कम्प्लीटली वेरी गुड और जितना जो थोड़ा थोड़ा हम सबसे हो सके हमें इसमें आना चाहिए आगे बढ़ के। आई एम कम्प्लीटली विद दिस कॉन्सर्ट वेरी मच। कम्प्लीटली बिलीव करती हूँ, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। एटलीस्ट आई फील आज के दौर में हर एक की ज़िंदगी में हर एक इंसान म्यूज़िक से रिलेटेड है और यही एक बहुत बड़ा और आई बिलीव रियल प्लेटफॉर्म है कि हम साथ में आए और हम थोड़ा थोड़ा बिट करें। हाँ जी, माई एल्बम इज़ कमिंग अप ऑन 17th of July जो नेक्स्ट मंथ है। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, हम शूट कर रहे हैं अभी
19-20 को, तो उसके प्लानिंग में लगे पड़े हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, अच्छी खासी तैयारी चल रही है। और भाई आएगा तो मैडम भी जाएंगे, मिलेंगे क्या क्या